श्री नित्यानंद प्रभु का आज प्रगट्य दिवस है संसार में। और नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य चरितमृत के अनुसार एक अद्भुत अवधूत महापुरुष जो भगवान महाप्रभु के संग आए उनकी लीलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनका सहयोग करने के लिए। श्री नित्यानंद प्रभु का एक ही जीवन का लक्ष्य था, चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करना, चैतन्य महाप्रभु की अधिक से अधिक सेवा करना। और जब नित्यानंद प्रभु का ये भाव था तो महाप्रभु हमेशा उनको अपने बड़े भाई की तरह समझते और सदैव उनकी सेवा से प्रसन्न रहते हैं। और यूं ये अरस परस राम लक्ष्मण कृष्ण बलराम कैसी लीलाएं करते हुए श्री गौरनिधाय अपना जो है संकीर्तन की सेवा आगे बढ़ाते रहे। नित्यानंद प्रभु इतने दयालु थे कि वो लोगों को हाथ जोड़ के कहते, एक बार हरि बोल, एक बार हरि नाम लो, एक बार हरि नाम लो, मैं आपके पांव पड़ता हूँ, एक बार हरि नाम लो, एक बार हरि नाम लो। अर्थात जीवों पे कितनी उनकी दया होगी। याद रखना, जो हमसे हरि नाम जपाता है समझ लो वो हम पे सबसे बड़ी दया है, वो हमारा सबसे बड़ा कल्याण कर रहा है, सबसे बड़ा भला कर रहा है। और यूं महाप्रभु के लीला के द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु सब जीवों को जो हरि नाम संकीर्तन कराते उसमें महाप्रभु के साथ नित्यानंद प्रभु का बहुत बड़ा हाथ था। और जब महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया तो नित्यानंद प्रभु को ये लीला समझ में नहीं आई, क्योंकि वो हमेशा महाप्रभु को सजे धजे बने संवरे ऐसे देखना चाहते थे। तब एक दिन महाप्रभु जब भाव विभोर थे तब नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, महाप्रभु का जो संन्यास दंड था वो तोड़ के फेंक दिया। अर्थात हमेशा महाप्रभु से जो स्नेह प्रेम के बंधन में बंधे रहे नित्यानंद प्रभु, और महाप्रभु की भी हमेशा उन पे विशेष प्रेम और स्नेह रहा। ऐसे अवधूत महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु जो हमेशा भजन में समाधि भाव में रहते थे। एक दिन नित्यानंद प्रभु घर से जल्दी जल्दी निकले महाप्रभु के दर्शन करने। महाप्रभु उस समय अपने घर में विष्णु प्रिया जी के साथ या लक्ष्मी प्रिया जी उनकी जो धर्म पत्नी थी उनके साथ थे कि अचानक नित्यानंद प्रभु आए और जो उनको कमर पे लुंगी बांधनी थी वो सर पे पटका बांध के आ गए और ऐसे ही आ गए अवधूत की तरह। महाप्रभु उनको देख के बहुत हंसने लगे और अपनी शॉल उनके शरीर पे लपेट दी। ऐसे अवधूत जिनको अपने शरीर का भी होश ना रहता सदैव हरि नाम हरि कीर्तन और लोगों के उद्धार के लिए और महाप्रभु की हर लीला को हर आज्ञा को स्वरूप पर रखा। यहां तक के ऐसे अवधूत वृक्त महात्मा जब महाप्रभु ने कहा कि आप विवाह करो तब उन्होंने उस आज्ञा को सिर आंखों पे लिया। और आप सब जानते हैं जिन्होंने चैतन्य चरितमृत का पान किया है उनका जैसे विवाह हुआ उन्होंने उस आज्ञा को सर आंखों पे लिया और महाप्रभु की हर लीला को वो आगे बढ़ाते गए। जगाई मदाई का सबसे बड़ा उदाहरण है कि किस तरह से जगाई मदाई ने जब उनका अपमान किया और महाप्रभु आकर उनका वध करने लगे तब जगाई और मदाई दोनों भयभीत हो गए और भयभीत होकर श्री चैतन्य महाप्रभु से माफी मांगने लगे, क्षमा याचना करने लगे। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा जब तक नित्यानंद प्रभु आपको क्षमा नहीं करेंगे मैं आपको कभी क्षमा नहीं करूंगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें क्षमा करूं तो पहले नित्यानंद प्रभु से क्षमा याचना करो।
और नित्यानंद प्रभु से जब क्षमा मांगने लगे तब उन्होंने कहा, मैं तो तुम लोग को पहले ही क्षमा कर चुका हूं, मेरे मन में कोई द्वेष नहीं है। इसलिए ऐसे नित्यानंद प्रभु जो आज के दिन इस संसार में प्रकट हुए और हमारे आश्रम में विराजमान है, वो चैतन्य महाप्रभु के साथ और रोज हमें दर्शन देते हैं और उनके दर्शन से अवश्य हमारी भक्ति, याद रखना भगवान को मिलना तो ठीक है लेकिन भगवान आसानी से कैसे मिले, कि जब हम उसके भक्त को मिल जाते हैं, जब हमें कोई भगवान का भक्त मिले तब ही भगवान मिलते हैं। इसलिए ऐसे प्रार्थना की जाती कि हे प्रभु आप मिले या ना मिले लेकिन उनको मिला दो जिनको आप मिले, क्योंकि जिनको आप मिले अगर वो हमें मिले तो आप खुद ब खुद मिल जाओगे। तभी कहा सही संत मिला है जिन डिठिया बुद्धिया तेरा नाम चित्तावे। हे प्रभु ऐसे संतों को मिलाओ जिनको देखकर आप याद आओ, क्योंकि उनके द्वारा ही आप हमें प्राप्त हो गए। इसलिए अगर भगवान चाहिए तो भगवान के भक्तों को पकड़ लो, और जब हम भगवान के किसी शुद्ध भक्त के श्री चरणों का आश्रय ले लेते हैं तब उनकी कृपा से अवश्य हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे ही आज श्री नित्यानंद प्रभु के चरणों में हम सब यहाँ उपस्थित बैठे हैं और उनकी कृपा से अवश्य हमें कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।